नमस्कार, आप सभी का स्वागत है मगर टीवी में। मैं हूं आपके साथ अंकिता। इस वक्त की अहम खबरों के। नवादा जिला के सिरदला प्रखंड के अंतर्गत ग्राम सिद्धौल में दो पक्षों में जमीनी विवाद की जांच में पहुंची एंटी करप्शन व अपराध नियंत्रण की टीम और थाना के दल बल के साथ पहुंची और दोनों पक्षों को सुलह करवाई गई। जमीन का एनआर कटवाने के बाद नापी का आदेश दिया जाएगा। मौके पर उपस्थित ग्रामीण जनता व प्रशासन व जिला नियंत्रण के साथ साथ जिला अध्यक्ष मिथिलेश कुमार, एंटी करप्शन अमरेंद्र कुमार सिंह, शास्त्री देवी एवं प्रमोद कुमार मौजूद रहे। आपका नाम पहले बताया? उपेंद्र चौधरी। उपेंद्र चौधरी, हाँ। ये विवाद जो चल रहा है किस बात पे चल रहा है? विवाद चल रहा है, वो कहता है मेरा जमीन है। कौन बोलता है? कौन बोलता है? उसका नाम सूर्यदेव मास्टर। सूर्यदेव मास्टर लालजी चौधरी। आगे आइए ना, पीछे क्यों जा रहे हैं? आगे आइए। सूर्यदेव मास्टर लालजी चौधरी, हाँ। वो कहता है मेरा जमीन है। आप बोलते हैं मेरा है? हाँ, हमने कहता है, हम कहते हैं बिहार सरकार हो जमीन। आपके पास कागजात है? मेरे पास है, हाँ? मेरे पास है। बिहार सरकार का है? बिहार सरकार नहीं, मेरा रहती है। कौन रहती है? ये वाला। आइए आइए। तो सर, सरकार के जमीन है, बिहार सरकार। तो बिहार सरकार जमीन में ही? हाँ हाँ। राजू पासवान। राजू पासवान, आप जानते हैं जो मकान बन रहा है, हाँ। किस जमीन में? सरकारी जमीन ही है सर। आप कैसे जानते हैं सरकारी जमीन ये? हम जानते हैं सर, मेरा बाबू जी का ही जमीन था, सुनो ना। वो है, हम कह रहे हैं बाबू हमको छोड़ दीजिए जी, सुनो ना। लेकिन नहीं छोड़ रहा, खाली लाठी मारे मारेंगे, पेटेंगे, पेल देंगे। सुखाता सर। कौन बोलता है? सर उगरा पे लिखा हुआ है सर। नहीं तो आप हमको बताइए ना, उस पे लिखा हुआ आप हमको बताइए। कौन बोलता है? लालजी बोलता है, अमीरक पासवान है, यही अमीरक चौधरी में है, सुन लो। क्या नाम आपका हुआ सर? मेरा नाम सूर्यदेव चौधरी है, चौधरी। हम बालदेव चौधरी के दामाद हैं। आप ये बताइए कि जो इस घर जो बन रहा है इसमें विवाद हो रहा है, आप इसमें क्या जानते हैं? हम जानते हैं कि मेरा ससुर 1969 में केवाला लिखवाया है बाड़ो पासवान से, जो राजू पासवान के पिताजी हैं। 1969 से आज तक के जमीन मेरे कब्जे में है। मेरा ससुर तीन भाई थे, दो भाई अपना अपना हिस्से में जमीन में बना लिया है, मेरा हिस्सा पड़ती था, आज हम बना रहे हैं। मुझे कमजोर जानकर इन लोग इतना काफी परेशान कर रहा है। कितना जमीन आप लिखवाए थे? मेरे ससुर लिखवाया था 15 डिसमिल, लेकिन कागज में जमीन 11 डिसमिल बताता है। पहले 150 में। हमको ससुर के नाम है बारोग्राज महावीर पासवान, बुधन पासवान। इन लोग के जमीन है, हम लोग इन लोग के हम दिया है, इसको खाली यही जमीन लिखा हुआ है। अब बिल्कुल ऐसी है, सुनिए सर। लो सर, अब मेरा जमीन के लोग दफा तलाशी करता बोला ऐसे करेगा। अब ये देखें तन गया सर, अभी गया सब लोग। लालजी चौधरी। लालजी चौधरी, क्या मैटर है बताओ? मैटर है कि सर बिहार सरकार बोल के खतियानी जमीन है जी, और उसका बाद सीओ के यहाँ मामला गया तो दोनों जगह से कागज मांगा, उस समय कागज ही नहीं दिया निकास का। वो मैटर अभी प्रदीश पासवान, राजो पासवान, उसका बाद मेरे पास केवाला है, रसीद भी कटा हुआ ई प्लॉट का, ठीक है। बिहार सरकार जमीन है, इसके इससे पहले तो उसका बिहार सरकार में बना हुआ है, उसका जांच किया जाए। इससे पहले बपौती है तो उसको भी जांच किया जाए, बिहार सरकार है तो इन्हीं लोग मेरा बाप का दादा का लिखा है ना। लेकिन सब एकदम बिल्कुल बर्बाद करके छोड़, हसुए लेकर ढोकता, छोटवे लेकर ढोकता, पेल देंगे छोटा से और चाहे गज से, समझो ना। तो हम चुपचाप हो जाते हैं भाई, गरीब ही अपनी, समझो। देखो चला गया। पासवान देवी, किसान जमीन जानते? ये हमारे जमीन है सर, हाँ। हमारा तो पासवान देवी नाम है सर, और ससुर के बाबा पासवान लीलो अथी नाम अथी नन ससुर के। कौन थे वो लड़का? वो पासी है, चौधरी है, सुन लो। ये सब गोतिया ने ये हमारा बांट के दे दल के, सुन लो। सर आप ये बताइए, जो अभी सिद्धौल में आप जांच करने के लिए आए, इसमें क्या विवाद पाया गया, क्या इसमें हुआ सर? विवाद पाया गया है कि नाम देखते, हमारे पास उपेंद्र हूँ, उपेंद्र चौधरी हमको आवेदन दिए थे अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार में, है ना। तो हम जांच में आए हैं, तो उपेंद्र जी
को कहना है कि मेरा ये रायती प्लॉट जमीन है ना, और जो बाउंड्री हमारा मास्टर साहब के द्वारा सूरजदेव जी के द्वारा तोड़ दिया गया है, इनका ये कहना है। और इनका जमीन से जो पश्चिम जमीन है उनको कहना है कि ये बिहार सरकार का जमीन है, है ना। और इनको सूरजदेव जी को कहना है कि यह मेरा रैती प्लॉट है और उसका हमको केवाला भी दिए हैं। और दोनों आदमी से हमने बात किया है कि अगर आपका बिहार सरकार इनको बता रहे हो और अपना रैती प्लॉट बता रहे हो तो अपना एनआर कटाओ और सर भी एनआर कटाएंगे और दोनों का हम लोग नापी करा देंगे, इससे क्लियर हो जाएगा कि ये बिहार सरकार है और कि रैती प्लॉट सर का है। इसलिए कि केवाला सर हमको दिए हैं रैती प्लॉट का, इसलिए एनआर सर भी कटाएंगे और ये भी कटाएंगे आपका, समझे न, दोनों आदमी है ना, यही तो विवाद है जमीन का। तो क्या सर जो अमीन लाने का जो एनआर कटाने के लिए दोनों पक्ष रेडी हो गए? हाँ रेडी तो हैं सर, आपको भी कटाना है ना, वो तो कटाएगा पार्टी को। नहीं, जो आदमी चुनौती दे रहा है पहले वो कटाएंगे। जो आदमी कह रहा है मेरा जमीन को कि मेरा जमीन है, कोसमा देवी कंप्लेन कर रही कि मेरा जमीन है, पहले वो एनआर कटा के नापी करवा लेंगे। वो जब कटवा लेंगे तो आप कटवाइएगा। जी हाँ जी। कहाँ गए कोसमा देवी? यही सामने है। आप कटवाइएगा एनआर? हाँ सर कटेबे। जब सर का आदेश हो गया मनवा अधिकार के द्वारा से तो आप एनआर कटाइएगा? हाँ कटेबे सर, ये तो हमारे जमीन है सर जी। हाँ हमर देखो सर नहीं कटे रही तो बिहार सरकार हो गए सर, तो कटा के देवो सर। एगो बात सुनिए हम लोग से, थोड़ा देर के लिए एक दो दिन के लिए समय दीजिए, हम लोग जब तक इसको एनआर कटवा देते हैं, एनआर कटा करके नापी करा देते हैं। जब आपका आपका रैती प्लॉट है तो इसमें तो कोई विवादे नहीं आपको है, ठीक है, कर रही है ना। क्या आप काम बंद करवाइएगा? काम तो मेरा बंद है, सामने देख रहे हैं निर्माण कार्य नहीं चल रहा।